हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर आपको ऑल इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट संबंधी वैकेंसी निकाली जाती है उन सभी वैकेंसी को कवर किया जाता है। हाल ही में इसरो की ओर से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आपको लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद दिए गए हैं। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 10 फरवरी 2024 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यह आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। इसके लिए आपको आवेदन किस तरह से करना है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की पोस्टें दी गई हैं। इसके लिए अगर हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक की यहाँ पर टोटल 63 पोस्टें दी गई हैं और इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 13 पोस्टें दी गई हैं। प्लम्बर की यहाँ पर आपको पोस्ट दी गई है। फोटोग्राफर की 5 पोस्टें हैं। इसके अलावा फिल्टर की 17 पोस्टें हैं। प्लम्बर की 3 पोस्ट हैं। टर्नर की 2 पोस्टें दी गई हैं। कारपेंटर की 3 पोस्टें हैं। वेल्डर की 2 पोस्ट हैं। इस तरह से आपको विभिन्न प्रकार की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अगर आप मैकेनिकल या टेक्निकल फील्ड में अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। आपको विभिन्न टेक्नीशियन संबंधित विभिन्न प्रकार की पोस्टें दी गई हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स से संबंधित भी आपको यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं। अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पर लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है जिसका पोस्ट कोड है 027। सामान्य की यहाँ पर आपको एक पोस्ट दी गई है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो लाइब्रेरी साइंस में अगर आपने मास्टर डिग्री यानी कि आपने MLIS कर रखा है तो वह कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए रिटन एग्जाम या स्किल टेस्ट लिया जाएगा जिसकी जानकारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा कुक की यहाँ पर 4 पोस्टें हैं, फायरमैन की 3 पोस्टें हैं, लाइट व्हीकल ड्राइवर की यहाँ पर 6 पोस्टें हैं, हैवी व्हीकल ड्राइवर की 2 पोस्टें आपको दी गई हैं। तो इस तरह से सभी पोस्टों का यहाँ पर आपको वर्गीकरण मेंशन किया गया है। अगर आप लाइब्रेरी के अलावा किसी अन्य पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को जरूर से एक बार चेक करें, उसी के बाद आवेदन करें। अगर आपको नोटिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो PDF है मैं इस वीडियो के बाद में टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। इसी के साथ दोस्तों इसके बारे में अगर हम एज और आपकी सैलरी की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो जिसका पोस्ट कोड है 027, इसके लिए आपकी जो एज है वो 18 से 35 वर्ष रखी गई है। जिसका पे लेवल 7 का रहने वाला है यानी कि आपकी सैलरी 44,900 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों इसके लिए आपको आवेदन किस तरह से करना है तो आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 10 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 मार्च 2024। तो जो भी विद्यार्थी यहां पर आवेदन करना चाहते हैं वह 10 फरवरी 2024 से लेकर 1 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन करने होंगे और इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके जरूरी डॉक्यूमेंट क्या साइज में मांगे गए हैं उसके बारे में यहां पर आपको डिटेल से मेंशन किया गया है। तो आवेदन करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन को जरूर से चेक करें, उसी के बाद दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर आपको पोस्टें दी गई हैं जैसे कि साइंटिस्ट, इंजीनियर से संबंधित, टेक्निकल असिस्टेंट से संबंधित आपकी जो फीस है वो 250 रुपये रखी गई है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस समय आवेदन करोगे तो आपकी जो फीस है वो 750 रुपये लगेगी। और अगर हम अदर पोस्ट की बात करें जैसे कि कुक, फायरमैन, टेक्निकल, लाइट व्हीकल ड्राइवर, व्हीकल ड्राइवर से संबंधित, तो इसके लिए आपकी जो फीस है वो 500 रुपये रखी गई है। जब दोस्तों जो भी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप इसमें आवेदन करते हो, एग्जाम आप देते हो, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी जो फीस है वो रिफंड की जाएगी। अगर हम 750 की बात करें तो इसमें आपको 250 रुपये आपकी जो फीस लगेगी, अदर जो आपके 500 रुपये हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। अगर दूसरी पोस्ट की बात करें तो इसमें आपका जो फीस है
वो 100 रुपये रखी गई है, यानी कि आपको एग्जाम के बाद आपका जो 400 का फीस है वो वापस कर दिया जाएगा। यह जो फीस है आपकी वो सामान्य कैटेगरी के लिए रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें SC ST PWD कैटेगरी और वुमेन कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी, वह निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST कास्ट को जो, या PW कास्ट को, या एक्स सर्विसमैन कास्ट को, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं रखेगी, आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल से जानकारी मेंशन की गई है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर हम लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद में आपकी जो स्किल टेस्ट है वो लिया जाएगा। अगर हम टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपके टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 घंटे 50 मिनट का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, जिसके लिए अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अदर पोस्टों के लिए भी यहाँ से आप जो आपका रिटन एग्जाम क्या कैसा रहेगा, कितने मार्क्स रहेगा, वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्वालिफाई मार्क्स की बात करें दोस्तों तो सामान्य कैंडिडेट के लिए जो आपकी क्वालिफाई मार्क है रिटन एग्जाम में 80 में से आपके 32 नंबर आने जरूरी हैं, और स्किल टेस्ट में आपका 50% मार्क्स रखे गए हैं। और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 80 में से 24 नंबर आपके होने चाहिए, और स्किल टेस्ट के लिए आपका जो पासिंग मार्क है 40% रखा गया है। यह सभी जो कैटेगरी है उनके लिए रखा गया है, और यहाँ पर सभी कैटेगरी को एज रिलेशन भी दिया जाएगा। भारतीय नियमानुसार सभी कैटेगरी को एज रिलेशन दिया जाएगा, तो इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप हैवी व्हीकल ड्राइवर या लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल से जानकारी मेंशन की गई है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन का PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों वैकेंसी संबंधित किसी भी तरह को क्वायरी हो तो इनके द्वारा यहाँ पर आपको मेल मेंशन किया गया है, इस मेल पे आप मेल करके आपकी जो भी टेक्निकल इश्यू है वो इन्हें पूछ सकते हैं। और इनके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए आपके ऑनलाइन आवेदन 1 मार्च 2024 तक चलेंगे, तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं वे 1 मार्च 2024 से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक बार फिर बता दें कि यह नोटिफिकेशन आपका इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 10 फरवरी 2024 को जारी किया गया था, जिसमें आपको लाइब्रेरी असिस्टेंट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीशियन, इसके अलावा कुक, ड्राइवर, हैवी ड्राइवर के, प्लम्बर के अलावा आपको काफ़ी सारी पोस्टें दी गई हैं। तो जो भी विद्यार्थी जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिटेल से क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपकी किसी भी तरह को क्वायरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको नोटिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।